सब रीढ़ की हड्डी सीधा करिए, हाथ जोड़ करके हमारा पीछे पीछे बोलिए, हाथ जोड़ करके रीढ़ की हड्डी सीधा करके हमारा पीछे पीछे बोलिए, बोलिए अज्ञान अति निरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलिता येना तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति प्रमोदाखो भक्ति प्रमोदाखो
मुखाशो भक्ति प्रमोदाखो पुरी प्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जनवै नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्षो भानवी देवी दयिताया कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्यो श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगो विरुद्धोपसिद्धन्तो भान्तो नमो गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भारसाम्बोधे पादं पूजयते नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय स्वरूपानुगमरायते गौराविर्भाव भूमिस्तं निर्दष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौमो श्रीजगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावितुलसी देवी यावया केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी शतवत्कै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत सुषमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्य शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभा में आए हुए सारी भक्तवृंद सबको यथाजथ संभाषण ज्ञापन करता हूँ। जो भी हो काल से हम लोग शुरू किया महाप्रभु जो व्यास पूजा का लीला किया। व्यास पूजा लीला मतलब शिवा संगम में संकीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु एक दिन उन्हें बोला जे काल पूर्णिमा मतलब पूर्णमास आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा करना चाहिए। तकाल तो हम बता दिया व्यास पूजा का मतलब क्या। व्यास पूजा का मतलब ऐसा है
वे जो व्यास को पूजा करना, मतलब गुरु तत्व का पूजा करना, गुरु तत्व मतलब सारी परंपरा। एक व्यक्ति ने कल हम बताया, देखो ये तो इंग्लिश स्पीकिंग में इधर नहीं पड़ी, हाँ चलो स्पीकिंग ग्रेट। तो गुरु तत्व का पूजा करना, गुरु तत्व मतलब परंपरा। लेकिन आज का दिन में हमारा गुरु तत्व को ठीक ढंग से प्रचार नहीं करते, इसलिए गुरु गुरु के ले गुरु ले करके मैंने गुरु को ले करके बहुत झगड़ा भी चल रहा संप्रदाय के अंदर में। ये हमारा गुरु, ये तुम्हारा गुरु, ऐसा ही। लेकिन हमारा वैष्णव संप्रदाय ऐसा संप्रदाय, सबके साथ गला लगाने संप्रदाय, सबके साथ गला लगाने संप्रदाय, किसी को निंदा नहीं करते, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देता। जो सच सच को मुख पर बता देता, यही सच है। लेकिन किसी को निंदा नहीं करते, निंदा नहीं करते हुए सबको। तो इस प्रकार संप्रदाय में हम लोग सब आ गया, हम सबको इसी परंपरा में चलने होगा। चलने से क्या होगा, ये परंपरा का जो असली स्वाद चिरो आनंद, हमेशा के लिए आनंद, आनंद का प्रति हमेशा के लिए आनंद का प्रतिमूर्ति भगवान कृष्ण, उनको सेवा प्राप्त कर सकता। ऐसा ही शिक्षा दिया। तो जो भी हो पहले शुरू करने दो, ये श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जो कलि युग में व्यास, मैंने व्यास अवतार जो व्यास थे, वही व्यास ही कलि युग में वृंदावन दास ठाकुर रूप में आया। इसके बाद ही चैतन्य भागवत लिखा। इसी चैतन्य भागवत के अंदर में मध्यखंड पंचम अध्याय, पांचवा अध्याय में, तो ये जो अध्याय में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और सब सुभाष पंडित सबको लेकर के एक लीला रचाया, व्यास पूजा का लीला रचाया, वही हम पढ़ने जा रहा हूँ। और अंदर में जो अंतर्निहित व्याख्या है हम बता देगा। जय जय सर्व प्राणो नाथ विश्वम्भर, जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर। सर्व प्राणनाथ ईश्वर मतलब विश्वम्भर, सर्व प्राणनाथ सबका जान का प्रभु, कौन भगवान, भगवान कौन विश्वम्भर। विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु का और एक नाम है, विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो, है ना। वंदे जगत प्रिय करो करुणा बतारो, जो करुणा, करुणा सबको दिया। क्या करुणा दिया, करुणा मतलब क्या, कृपा, कृपा। जो कृपा प्राप्त करने से भगवान को मिल सकता, भगवान का सेवा मिल सकता, भगवान के साथ हमारा जो संबंध वही प्रकट हो जाता, वही करुणा, असली करुणा।
असली कृपा। दुनिया को लोग करुणा सोचता क्या ना, कहीं खाना दे दो किसी को, भूखा को खाना दे दो, वस्त्रहीन को वस्त्रों दे दो, बीमार लोग को कोई दवाई दे दो, वही असली करुणा सोचता। लेकिन वो तो करुणा है ही, लेकिन इतना इतना अच्छा करुणा नहीं। भूखा को खाना दे दिया, 5-6 घंटा बाद फिर से भूखा होगा, उनका करुणा का मतलब कीमती 5-6 घंटा। और वस्त्रहीन जो कपड़ा नहीं, कपड़ा दे दिया तो क्या करुणा का मतलब, कपड़ा जब तक है उतना ही करुणा है, उसके बाद करुणा नहीं। चलो बीमार फिर से बीमार होगा। ये शरीर हमारा कहाँ बहुत है, शरीरंग व्याधि मंदिरम संस्कृत में, शरीर बीमार का मंदिर है। देखो ना, हम करीबन 20 दिन हो चुका, जुखाम मार जाता नहीं, चला गया फिर से आ रहा फिर से, इस प्रकार ये खत्म नहीं होगा। ये दुनिया तो असली जो ये दुनिया सबको बीमार में पड़ सबका बीमार है, कोई लोग बोल नहीं सकते हमारा बीमार है नहीं। जो भी हो तो जय जय सर्व प्राणोनाथ विश्वम्भर, सबका जान का प्रभु भगवान विश्वम्भर कृष्ण, कृष्ण ही विश्वम्भर, कृष्ण सबको चलाने वाले, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के हमारे पास आया, सबके पास आया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर क्या बोला, सर्व प्राणोनाथ विश्वम्भर जय नित्यानंद गदाधर विश्वर, नित्यानंद स्वरूप शक्ति बलराम कृष्ण का स्वरूप शक्ति, एक ही रूप माने एक ही एक कृष्ण और एक शरीर लेके प्रकट हुआ बलराम, वही बलराम नित्यानंद को रूप लेकर आया। वास्तव में तो देखो तो ऐसा है, भगवान कृष्ण का दाहिने तरफ से बलराम प्रकट हुआ और माया तरफ से राधा रानी प्रकट हुआ, एक ही। इसलिए नित्यानंद प्रभु और गदाधर जो राधा रानी थी, वही गदाधर पंडित रूप ले करके ही सबका ईश्वर सबका प्रभु सबका जाय देते हुए। देखो सबका जाय देने से क्या फायदा, क्या फायदा है, सबका कृपा मिलेगा। लेकिन हम देखा जय धनी का समय सब फालतू बात करने का, मंदिर में आरती होने से बाद जय धनी चल रहा, लंबा जय धनी होने से सब लग जाता क्या फालतू बात करने लगता था, और कोई लोग सोच रहे फालतू समय में धाती का अंडी कर लो, बैठ के मंदिर में बैठ के लंबा 15 मिनट होगा अन्य भी हो जाएगा, एक काम में 2 काम हो जाएगा। देखो रात देखने के लिए गया और वहीं पर कुछ बेचने के लिए मैंने खुला सेल करने के लिए गया, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। और बांग्ला में कहावत है, रात देखा कोला बेचा, रात देखने के लिए गया और केला लेके बेचने के लिए गया, दोनों एक साथ हो सकता कि रात रथ खींचने के लिए गया और केला बेचने के लिए गया, केला लेके गया, केला केला बनाना दोनों एक साथ हो सकता कि रथ खींचो तो रथ खींचो और है केला बेचना तो होगा नहीं सकता, तो क्या, तो केला बेच के पैसा होगा
मैंने हमारा बांग्ला में कहावत ऐसा है, ऐसा भक्ति ऐसा नहीं जो भक्ति हाँ माला इस तरीके से इस तरह बनाने पड़ेगा जो फूलों को हम बाद में पकौड़ा बना के खा सकता। हमारा बांग्ला में एक फूल है, पता नहीं यहीं पे क्या फूल नाम है, बॉक फूल नाम है, बॉक फूल सफ़ेद वाला फूल, उनको पकौड़ा बना सकता। तो बॉक फूल का माला ये हमारा बात नहीं, ये भक्ति तो माधव को स्वयं कथा, भक्ति इस तरीके से होता नहीं। बॉक फूल का माला किया मैंने, माला बनाया, नहार बनाया, कृष्ण आने से कृष्ण को चढ़ा दे गला पे चढ़ा देगा, अरे नहीं आने से वो तोड़ के पकौड़ा बना के खाए। बस समझ में आया कि भक्ति इस प्रकार होता नहीं। भक्ति का विचार ऐसा होना चाहिए जो आएंगी। देखो सोचो थोड़ा सा, सोचिए सबरी का क्या प्रतीक्षा, जवानी का समय गुरु दीक्षा, गुरु मातंग ऋषि दीक्षा दे करके बोला कि तुम रामचंद्र को स्वागत करने के लिए हर रोज फूलों को सजावट करके, जो रास्ता को फूलों द्वारा सजावट करके रखो, फल तोड़ के रखो, जवानी का समय से आज बूढ़ापन हो गया, आंखों में सचमुच दिखाई नहीं दे रहा, हर रोज गुरु का वाक्य, गुरु का जो कथा दिल पर लेकर के किया, प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा हर रोज करते। ऐसा नहीं सोचा जो इतना दिन कर चुका आया नहीं, रामचंद्र आया नहीं, वो आएगा ही नहीं, ऐसा विचार नहीं किया, गुरु जी बताया। तो सवरी प्रतीक्षा करते 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 एक दिन सचमुच रामचंद्र लक्ष्मण जी आ गया। आनंद में गदगद होकर के क्या करे, बेर फल को अपना पहले देख रहा, ये मीठा है ना कड़वा है ना खट्टा है, देख रहा उसके बाद दे रहा, इतना गदगद हो गया। लक्ष्मण जी क्या बोल रहा, भैया ये झूठा। भगवान क्या बोल रहा, भैया ये तो मीठा है। जो प्यार का भगवान, प्यार का भिखारी, दुनिया का चीज लेने के अधिकारी नहीं। भगवान को सजावट करके बहुत चीज दिया लेकिन अंदर से प्यार नहीं दिखावा तो किया। भगवान मुख फिरा के दिखेगा नहीं तुम क्या क्या, प्यार है। सो इस प्रकार ले लेगा, छीन के ले लेगा। देखो सुदामा अंदर से प्यार लेके गया, देखो गोपिया का घर से माखन चोराई किया, चोरी करके खाया, छीन के लिया। सुदामा का चूड़ा छीन के लिया। आज हमारा मंदिर में आसन लगा के आचमन दे करके सब कुछ करके हम सब भोग लगा रहा, महसूस नहीं हो रहा कि सचमुच भगवान लिया कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, सबरी
विदुर का पत्नी पद्मावती का केला का छिलका भी ले लिया। जब छिलका छोड़ के असली केला दिया, बोलो पद्मावती पहले तो बहुत मीठा, केला का छिलका मीठा क्या, केला का छिलका मीठा क्या, तो क्यों ऐसा बोला? भगवान प्यार का भीखा, प्यार करना, प्यार करो, प्यार मतलब ऐसा प्यार कोई भौतिक कोई प्राप्त भौतिक चीज लाभ भौतिक लाभ करने का कोई विचार नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान का सुख के लिए जो कुछ करो, भगवान का सुख के लिए ऐसा विचार लेकर के जब हम लोग सेवा में कुछ पड़ेगा भगवान छीन के ले जाएगा। जो भी देखो गदाधर नित्यानंद कैश्यार जय जय श्री अद्वैत भक्तिर अधीन भक्ति दान देहो प्रभु उद्धार हो दीन। अद्वैताचार्य भक्तिर अधीन, भक्त का अधीन मतलब भक्त जो बोलेगा वही करेगा। अहम भक्त पराधीना, बोला ना, कब बोला? अहम भक्त पराधीना। देखो अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि का कहानी देखो, दुर्वासा बोल रहा भगवान आपका चक्र हमारा पीछे पीछे घूम रहा, रुको चक्र को, नहीं हम तो वो चक्र हमारा नहीं, किसका चक्र? अम्बरीश का। अंदर में क्या सोचबोझ था? सोचबोझ ऐसा था कि जे हे हम तो सन्यासी त्यागी दुर्वासा राजा दुर्वासा राजा भौतिक चीज दे करके रहे और वो हमसे बड़ा हो गया, आपका चक्र उनके लिए चला गया, क्यों? दुर्वासा राजा थे, मैंने अम्बरीश राजा थे, अम्बरीश राजा तो है, दुर्वासा सन्यासी होते हुए भी देखो क्या सन्यासी राजा और कोई ऐसा ऐसा कोई विचार नहीं, विचार है कितना समर्पित हुआ, दिल से समर्पित कितना, दिखावा पे नहीं, अच्छी तरीका से कपड़ा पहन के तिलक लगा के कंधे पर एक ठो कपड़ा लगा के आ गया, हाँ ऐसा कोई नहीं, दिखावा पे नहीं। तो क्या करना चाहिए? दिल से पुकारना चाहिए। ये चीज जब तक नहीं होगी तब तक हमारा लिए हमारे लिए भगवान को भगवान का जो कृपा महसूस करना, भगवान अहम भक्त पराधीन महसूस करना होगा नहीं। तो अद्वैत आचार्य कौन है क्या? देखो भगवान का बहुत अवतार है, महाविष्णु और तम्बुन अवतार शिव दोनों मिला के हुआ द्वैताचार्य। वो बोला कि भक्तिर अधीन, भक्त जो बोले वही करते, भक्ति दान देहो प्रभु उद्धार हो दीन, भक्ति दीजिए ये दीन को उद्धार करिए, दीन मतलब ये जो हमारा हम सब लोग यहीं पे आया, क्यों यहीं पे आने का कारण का पीछे पीछे कारण क्या है? भगवान को भूल गया, पतित हम लोग इस जगत में आया मतलब भगवान को भूला, भगवान को भूल गया इसलिए आया। कृष्ण भूली सही जी अनादि बहिर्मुख अति माया तारे दय संसार आदि दुख, कृष्ण को भूला, कृष्ण भूलने से फल क्या?
कृष्णा पाप उसके साथ साथ के जगत कारागार में भिजवा देता। ये कारागार है, आसक्ति का कारागार है। सब लोग बोल सकते हमारा कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति है कि नहीं, उल्टा सीधा बात करो उनके साथ, थोड़ा गाली दे दो, दुख है कि नहीं। गाली देने से भी दुख नहीं होगा। इस प्रकार कोई लोग है क्या? निंदा करने से भी कोई फर्क नहीं, बोलने दो। जिनका सचमुच अपना परिचय उपलब्ध हो चुका कि हम सब लोग भगवान आम हाँ मैं भगवान का हमेशा के लिए नौकर हूँ, तो जो कुछ बोलने हो बोल दो। जो तुम्हारा मोनीमोन जो इच्छा है हमारे लिए बताओ, तुम जितना ऊंचा गला में बताओ, माइक लगा के बताओ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़े। हमारा पता है कि मैं भगवान का हमेशा के लिए दास हूँ, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका दिल पर कोई दुख नहीं होगा। तो जो कुछ बता दो, दुख का बात, सुख का बात, भगवान का सेवा मिलेगा, वही आनंद में कूद पड़ेगा, कूद जाएगा। जो हनुमत नित्यानंद संग कुतूहले कृष्ण कथा रसे सबे होइला बिहवले। तो क्या हुआ, ये शिवास पंडित का घर पर हर रोज महाप्रभु सब मिल के कीर्तन करते थे। अभी क्या हुआ, हनुमत नित्यानंद संगे कुतूहले कृष्ण कथा रसे सबे होइला बिहवले। मतलब कृष्ण का कथा में जो रस है, से रस के अंदर में रस ले करके कृष्ण कथा रस को ले करके सब कूद पड़े। सबे महाभागवत परम उदार कृष्ण रस मत सबे करें हुंका। सभी तो महाभागवत श्रीवास पंडित बोलो, नित्यानंद बोलो, सब तो माने भगवान का पांच मूर्ति पंचतत्व, उसके अलावा जो जो चैतन्य महाप्रभु का आजू बाजू में थे सब तो महाभागवत। क्यों, सबका पता है। देखो पंचतत्व मतलब पांच भगवान का रूप, पंचतत्व तत्व मतलब हमेशा के लिए साच, हमेशा के लिए साच मतलब कौन है, ओनली भगवान है, एक भगवान ही हमेशा के लिए साच। आज सब चीज परिवर्तन होगा, आज एक रूप है काल और एक रूप है। आज मौन सही चल रहा है, काल वही दुगला पगला, मौन दुगला पगला हो जाएगा। और परसों सही होगा फिर से खराब हो जाएगा। इस प्रकार दुनिया का स्वभाव है, लेकिन भगवान हमेशा के लिए एक ही है। तो भगवान अपना नाम प्रचार करने के लिए पांच मूर्ति लेकर के आए, देखो जिनका बोला कि पंचतत्व। इसलिए देखो पंचतत्व का प्रणाम मंत्र क्या है, बोलिए, पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूप। कृष्णा पांच रूप लेकर के पहले के भक्त रूप, वो कौन, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप। कृष्ण का स्वरूप कौन, बलराम, नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान कृष्ण का भक्त रूप श्री कृष्ण चैतन्य, संन्यास नाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत भक्तावतारं, बोला ना,
स्वरूपं भक्ता बतारं अवतार महाविष्णु आर तंबू नवतार शिव दोनों मिलके अद्वैताचार्य भक्ता बतारं भक्ताक्षं नमामि भक्त शक्तिकम भक्त शक्ति मतलब शक्ति कौन है सारा शक्ति का सार कौन है राधा रानी। देखो एक तरफ से विचार करो तो वैष्णव सचमुच शक्त है। हम लोग सोच रहा काली पूजा करने वाले लोगों को शक्त, दुर्गा पूजा करने वाले लोगों शक्त, लेकिन आश्चर्य रूप से देखोगे तो वैष्णव लोग जिनका आराधना राधा रानी का, राधा रानी को हम सब लोग जो लोग श्रील प्रभुपाद का परंपरा में जोड़ा हुआ सब लोग एक ही लक्ष्य रखा, लक्ष्य में एक ही है राधा को संतुष्ट करना, पहले राधा का कृपा लेना, राधा का कृपा का साथ साथ कृष्ण का कृपा ऐसा ही हो जाएगा। पहले राधा कृपा उसके बाद कृष्ण कृपा, क्यों ऐसा ही बोला बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादाद न विद्यते, मतलब राधा रानी का कृपा छोड़ के कृष्ण माने भगवान कृष्ण बोल रहा हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं। तो हम लोग सकतो और को लोग सकते, देखो राधा रानी के साथ सारी मूर्ति जितना मूर्ति है दुर्गा बोलो लक्ष्मी बोलो सप्तमा बोलो रुक्मी बोलो चंद्रावली सब राधा रानी से आया, ऐसा बोल नहीं सकता जे दुर्गा अलग से, मूल कृष्णा जाड़ कृष्णा, पेड़ का जाड़ नहीं रहने से पेड़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो कृष्णा कृष्ण से पहले क्या बोला, दाहिने तरफ से आया बलराम, बाएं तरफ से आया राधा रानी। जितना देवियां है वो तो कौन है, उमा रमा सची सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनायवानी, सब राधा रानी का अवतार। और हमारा आराध्य जो बताया राधा रानी, क्यों ऐसा क्यों, ना राधा का कृपा छोड़ के कृष्ण का कृपा कभी दिन मिल नहीं सकता। कृष्ण का मुखारविंद से निकले हुआ वाणी, इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको ऐसा सोचना चाहिए हम लोग आश्री रूप से शक्त वैष्णव शक्त, जहाँ से शक्ति ले करके सारा देवी देवी शक्ति दिखा रहा। देखो हम लोग तो देखा ब्रह्मा जी क्या बोला, ब्रह्मा जी क्या बोला, चिंतामणिरपकर शतमा सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरवीरभिपालयन्तम्। इसके बाद लक्ष्मीर सहस्र शतसंभम क्षेपमास, ये शब्द को लोक करो लक्ष्य, लक्ष्मीर शत सहस्र हजारों हजार लक्ष्मी को एक साथ में जोड़ लो वो होगा राधा रानी।
राधा रानी के पूजा करने से अलग अलग लक्ष्मी पूजा करने का जरूरत नहीं, लेकिन हमारा दिल पर वो विचार आया नहीं कि घर में लक्ष्मी ठाकुर लक्ष्मी को रखा, गणेश जी को रखा और क्या क्या चीज़ रखा, देखो ना सबको रख दिया, क्यों हमारा विश्वास नहीं। किसी का विश्वास नहीं, जाड़ में पानी देने से पत्तल में अपने आप चला जाएगा, विश्वास नहीं। सो पेड़ में चढ़ गया, पत्तल में पानी दे रहा, पानी में कुछ होगा। हमारे गुरुजी बोलते थे बहुत तेज से भूख लगा, आँखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई नहीं दे रहा, मिठाई लेकर के आँखों में चढ़ा दिया, कान में लगा दिया, काम हुआ, काम होगा। इस प्रकार भी ऐसा ही भी राधा रानी की पूजा करो, कृष्ण को पूजा करो, अपने आप सारी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाए। पूजा करने का हमारा ऐसा ताकत नहीं तो क्या करना चाहिए, बोलो ठीक है, राधा कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए नाम करो। क्या नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम दो। ऐसा आसानी से राधा कृष्ण को संतुष्ट करने का उपाय हम सबको दे दिया, सिर्फ हरिनाम करो। सहारा लेकर के, किसका सहारा? शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर, शुद्ध भक्तों, जो भक्त ऐसा विचार लिया, क्या विचार? हमारा जान भगवान का सेवा के लिए, गुरु वैष्णव भगवान का सेवा के लिए हमारा जिंदगी, यह विचार लेकर के जो लोग जिए वही शुद्ध भक्त होता। हरि नाम करना, भगवान को सुख देना, हरि नाम करना भगवान को सुख के लिए, शुद्ध भक्तों का सेवा करना भगवान को सुख के लिए, भगवान का मूर्ति पूजा तस्वीर पूजा वो भी भगवान का सुख के लिए, लोग को दिखाने के लिए नहीं। अच्छी तो सजावट करके एक दिन कर दिया पा, एक सप्ताह कहीं और कोई आया नहीं, मंदिर माता नहीं, ऐसा नहीं। हर रोज देखो गौरकृष्ण दत्तवा जी महाराज क्या बोला, गोसाई नियम करे सदाई डाके राधे राधे, नियम करके जब कि बोले और जशोदा मैया क्या किया, अपना हाथ से खाना पका के कृष्ण को खिलाता, बहुत बहुत मेड थे, किसी को नहीं बोला ठीक है कृष्ण के लिए तुम खाना पकाओ, अपना हाथ से खाना खिला पका के खिलाता, ये प्यार का नाम। तो भगवान और प्यार जहाँ पे वहीं पे होता। तो शिवास पंडित घर में सब इस प्रकार कृष्ण रस में सब लोग कूद पड़े, कृष्ण कथा रस में सब लोग कूद पड़े। हंसे प्रभु नित्यानंद चारिदिके देखी, बहुए आनंद धरा सभा का रोची। जो ऐसा कथा चल रहा, खुशी खुशी सब चल रहा, भगवान का कथा का खुशी, दुनियादारी का खुशी नहीं, भगवान कथा का खुशी चल रहा, तो नित्यानंद आँखों घुमा के फिरा के सबको देख रहा, कितना आनंद सबका आँखों में है। आँखों में जब आनंद होता सबका महसूस हो जाता है। अंग्रेजी में कथा ना कहावत है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुख देख के बता सकते हैं ये लोग खुशी है, खुशी खुशी है ना दुखी दुखी है।
सुख में है ना दुख में है। जो लोग सुख में है उनका मुख मंडल को चक माने देखने से पता चल जाएगा, और जो दुख में है वो भी पता चल जाएगा। तो नित्यानंद को देख रहा सबका आंखों में बहुत आनंद आनंद पा रहा। तो बेहद आनंद में क्या बोला, महाप्रभु नित्यानंद निकट व्यास पूजा प्रस्ताव। महाप्रभु नित्यानंद के बोले आज पूर्णिम है, आज व्यास पूजा करना चाहिए। मतलब आषाढ़ मास में जब रथ यात्रा का समय पर रथ वापस चला गया गुंडीचा से जगन्नाथ मंदिर, उसके बाद जो पूर्णिमा आता उसका आषाढ़ी पूर्णिमा कहलाता। आषाढ़ी पूर्णिमा कहलाता गुरु पूर्णिमा, वहीं पे गुरु पूजा करती। इस बरस तो दामोदर प्रभु व्यास पूजा किया न क्या अपने हाथ से किया, ऐसा नहीं किसी को पैसा दिया कर, अपना हाथ से किया। पूछो ना, बॉम्बे में किया। देखिए आनंद महाप्रभु विश्वम्भर नित्यानंद प्रति किचु करिला उत्तर। महाप्रभु बोला नित्यानंद प्रभु व्यास पूजा करना चाहिए, व्यास पूजा। सुनो सुनो नित्यानंद श्रीपाद गोसाई, श्रीपाद गोसाई देखो श्रीपाद यहीं पे नित्यानंद प्रभु के महाप्रभु बोल रहा के श्रीपाद गोसाई। ये दो शब्दों को आश्रित रूप से जानकारी होना चाहिए। श्रीपाद मतलब क्या, श्रीपाद शब्दों को व्याख्या करने से ऐसा होगा श्री मतलब राधा रानी, श्रियम पाती राधा रानी के जो पालन करते, तम आदोदाती तो कौन पालन करते हैं राधा रानी को, राधा रानी को सुख देने वाला कौन है, कोई कोई गोपिया आने से सुख जगह दे सकता कौन, कृष्ण प्राप्ति से राधा रानी का सुख होता। तो श्रियम पाती राधा रानी को पालन करने वाला, राधा रानी को सुख देने वाला कौन, कृष्ण। तम आदोदाती मतलब जो कृष्ण को दे सकता हूँ, जो कृष्ण को हम सबको दे सकता। श्रियम पाती इति श्रीप, श्रीप मतलब जो राधा रानी के पालन कर सकता वो कृष्ण, और जो कृष्ण को दे सकता हम सबको वो श्रीपाद हो। कौन दे सकता, हम लोग क्या करता, कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो तुमार सकतिया छे, हमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे। एक ये जो कीर्तन है ये कीर्तन का कौन मैंने किसको संबोधित करते हैं, तुम्ही तो ठाकुर तुम कौन, वैष्णव, वैष्णव का संबंधित करना ना शुद्ध वैष्णव। हमारा बाप एक आम आदमी वैष्णव नहीं, जो शुद्ध वैष्णव और शुद्ध वैष्णव को संबोधित करके बोला तुम ही तो ठाकुर तुम्हारा वचन ऐसे ऐसा बोला। हाँ तो इस प्रकार कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो, तो शुद्ध भक्तों को श्रीपाद बोल सकता। और जो गोसाई, गो मतलब इंद्रियों मतलब शरीर, जो इंद्रियों को पूरा रूप से नियंत्रण कर लिया मतलब इंद्रियों का बॉस नहीं। हम लोग आज क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का दास, हम लोग कोई कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारा गुस्सा चढ़ जाता, और गुस्सा चढ़ने के लिए नहीं, गुस्सा को लेकर के भगवान का सेवा में लगाओ, काम को लेकर के भगवान का सेवा में लगाओ,
लोग जो है लोग हरि कथा में लगा दो, कथा सुनना का लोग। मोह जो है, मोह किसका? इष्ट, इष्ट सेवा का मोह। भगवान का सेवा छोड़ेगा नहीं। आज का दिन में क्या होता, प्रचार करें, प्रचार करने बहुत उत्साह है। क्यों? करने से, प्रचार करने से घर घर जाकर अच्छा वाला खाना मिलेगा, सोने का जगह मिलेगा, सब प्यार में, प्यार में आकर प्रणाम करें, पैसा भी देगा। आ रहे हैं तो भगवान का पूजा करें, कौन कुछ देखेगा नहीं। उत्सव है लोग, लोग लोग है उत्सव नहीं तो सब दो चार जो दो चार लोग आता ना क्या। इस प्रकार जब विचार मन में है वो इष्ट, इष्ट निष्ठा नहीं, इष्टो सेवा। हमारे इष्ट देव कौन? गुरु वैष्णव भगवान राधा कृष्ण। हमारे लिए भगवान कौन? राधा कृष्ण। क्यों? कृष्ण तो शास्त्र बता रहा है कृष्ण भगवान, और कृष्ण बोला राधा का कृपा नहीं होने से हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए इष्ट देव राधा कृष्ण। हमारा बात समझ में आया कि तो गोसाई सारा इंद्रियों को जो पूरा रूप से भगवान सेवा में लगा दिया वही गोसाई हो सकता। गोस्वामी, गोस्वामी ऐसे ही यही पे तो उड़त मेरा बस बेटा देखना कत जगह पूरा है सब देखना बोलना आ जाओ जगन्नाथ अंदर में जाओ एखने जगह चलो जाओ कुछ करो। देखो ऐसा विचार गोसाई तो यहीं पे देखो महाप्रभु ऐसा शब्द लगा, सुनो सुनो नित्यानंद श्रीपाद गोसाई। नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद बोला और गोसाई बोला। कौन बोला? चैतन्य महाप्रभु बोला। और क्या बोला? व्यास पूजा तुम्हार होइबे कोंठाई। बोलो व्यास पूजा कहाँ पे करो, कहाँ पे करने से अच्छा होगा बोलो। देखो व्यास पूजा तुम्हार होइबे कोंठाई ऐसा बोल रहा कि बोलो व्यास पूजा तुम्हारा व्यास पूजा कहाँ पे। मैंने मित्र लोग व्यास मैंने वो गुरु तो असली गुरु तो चैतन्य महाप्रभु। हाँ असली गुरु चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद क्या होगा? खेल देखने से तुम्हारा मनीमोहन आनंद लगेगा। नित्यानंद वो माला लेकर के घूम रहा तो मजा, अभी आगे से बोलने से तो मैंने मजा चला जाएगा। काली होई बे पौर्णमासी व्यासर पूजन अपने बुझिया बोलो जड़े लय मोन। तुम सोचो काल पौर्णमास मतलब काल पूर्णिम व्यास देव का पूजा करना चाहिए, व्यासर पूजन सही रूप से समझाओ। तुम्हारा मन में जो है कहाँ पे पूजा करने से तुम्हारा अच्छा लगेगा। नित्यानंद जानी लेने प्रभु रंगी हाथे धोरी आनी लेने शिवास पंडित। जब ऐसा मैंने चैतन्य महाप्रभु का इंगित मतलब चैतन्य महाप्रभु क्या बोलने चाह रहा वो तो समझ गया। उसके बाद शिवास पंडित का हाथ पकड़ के नित्यानंद प्रभु बोल रहा यही मैंने शिवास पंडित के घर में होगा पूजा। हाथे धोरी अनिल ने शिवास पंडित, शिवास पंडित का हाथ पकड़ के खींच के ले गया कहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु का पास, इसी घर में होगा।
ये लगा दी हो गया, मीटिंग तो होगा, रेजोल्यूशन पास हो गया, इस प्रकार करके हंसी बोले नित्यानंद सुनो विश्वम्भर बैश पूजा ए मोर बामुना रघर। मतलब इसको बोले ए बामुन मतलब ब्राह्मण का घर में होगा, श्रीवास पंडित हाँ उनका बामुना रघर ये घर में होगा। तो क्या बोला देखो, उसके बाद शिवास देखो ये बात हो गया, तुम्हारे घर में जाकर के महाप्रभु बोलेगा, तुम्हारे घर में रहेगा तो आनंद होगा ना दुख होगा। बोलिए किसी का घर में जाकर के नारायणी बोलिए, तुम्हारे घर में जब जाएंगे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रकट होकर यहीं पे प्रकट हो बोले हे नारायण तुम्हारे घर में जाने का विचार लिया, तो मतलब मन में आनंद होगा ना दुख होगा? सबको बोल रहा नारायण ऐसा नहीं, सबको बोल रहा आनंद होगा। इस प्रकार शिवास पंडित का भी आनंद हो, शिवास पंडित का मौन आनंद गदगद हो गया, आनंद में गदगद हो गया। क्या बोला था शिवाशेरे प्रति बोले प्रभु विश्वम्भर बड़ो भार लागिल जे तुम्हारो उपर। चैतन्य महाप्रभु बोले शिवाश बहुत बोझ तुम ले लिया। सही बोला ना, हाँ जब बहुत सारी वैष्णव लोग आने से आनंद तो होता, लेकिन ठीक से सेवा नहीं होने से क्या होता, अपराध हो जाते। अपराध में क्या होता, वैष्णव अपराध से क्या होता, पूजा करने से पूजा नहीं होता, नाम करने से भी नाम नहीं होगा। हम ऐसा क्यों बोल रहा, हमारा घर में दास वैष्णव हम सही रूप से ले सकता, खिलाना पिलाना सब कुछ कर सकता, सही रूप से कर सकता। दास के जगह पर हजार आ गया तो किसी को बैठने का जगह दे सकता है, किसी को बैठने का जगह आप दे सकता कि सही रूप से हो नहीं सकता, सब कुछ गड़बड़ हो जाता। किसी का मौन दुख हो सकता। जो वैष्णव होगा सचमुच वैष्णव होगा वो लोग का दुख नहीं हो सकता, हाँ ये लोग आ गया क्या करे ऐसा ही होगा। जब सारा वैष्णव के दर्शन का सुख ले रहा हम, और जो वैष्णव वेश में सजावट हो करके वा वैष्णव प्राय हो, इस प्रकार लोग क्या सोचेगा, हम लोग वैष्णव हमको सबको निमंत्रण दिया अपमानित करने के लिए, बैठने का जगह नहीं, सही रूप से खाना नहीं दिया, निमंत्रण क्या ऐसा विचार लेगा ना क्या? लेकिन वैष्णव का विचार किसी का दोष नहीं देखना, सही वैष्णव का विचार आज बहुत वैष्णव आ चुका, दर्शन सुख ले रहा, क्यों सचमुच वैष्णव कभी निंदा नहीं करते। पहले क्या बोला कथा का पहले, किसी को निंदा नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देता, बोलो ना, और किसी का झगड़ा नहीं करते, सच वैष्णव। इसीलिए वृंदावन ठाकुर एक किताब शुरू करने के पहले ही क्या बोला, कहा रे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिनी वे खेले। जो किसी को निंदा नहीं करते वही वो लोग सचमुच चैतन्य महाप्रभु का जो असली जो शिक्षा को दिल पर ले सकते, मुख पर लेकर के हम लोग से बोल सकता, दिल पर लेने का बहुत सोच बोझ करके करना चाहिए। जो लोग दिल पर ले लिया
वो लोग कभी भी किसी को निंदा नहीं करते। इसलिए वैष्णव का ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए, स्वभाव में प्रतिष्ठित होना चाहिए जे क्या हम किसी को निंदा नहीं करते। फिर चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा ऐसा महान शिक्षा, जो शिक्षा लेकर के हम लोग आसानी से दुख का दुनिया से उद्धार हो सकता। दुख का दुनिया से उद्धार होकर कहाँ हमेशा के लिए आनंद का दुनिया गोलोक वृंदावन में जा सकता है क्या? चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा दिया? शिक्षा का जो तुम छान मारो तो शिक्षा देखोगे चरम में ही शिक्षा। हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। देखो ये श्लोक जो है, जो एक बार दिल से समझ गया तो और कोई नहीं चलेगा। दिल से समझ गया तो यही करने लगेगा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। क्यों? ये नाम का अंदर में सारी चीज है, सारा लीला है। भगवान का लीला किताब पढ़ने का जरूरत नहीं। महाप्रभु जब नाम लिया, महाप्रभु साक्षात भगवान, लेकिन दीक्षा लेने का जो नाटक किया ईश्वरपुरी के पास जाकर के लिखा, उसके बाद क्या बोला? किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल जो पीते हमाय करिल प्रागन कृष्ण नाम महामंत्रेर एई तो स्वभाव। ऐसा नहीं कृष्ण मंत्र, कृष्ण नाम महामंत्र हो गोसाई ईश्वरपुरी, क्या मंत्र हमको दिया? जप करते करते हमको पागल बना दिया। उसके बाद क्या बोला? कृष्ण नाम महामंत्रेर एई तो स्वभाव। महामंत्र दिल से करने से देखो धीरे धीरे मंत्र किस तरीका से प्रकट हो जाते। पहले मंत्र महामंत्र नाम नाम सुनाई दे रहा, हरे कृष्ण ही। हम सबको बताया कि हमारा सारी मंदिर में, हमारा गुरु सारी मंदिर सारे घर में, भक्तों का घर में ऐसा होना चाहिए। गुरु जी को महाजन सोचो तो गुरु जी का कंठों में जो निकला हुआ महामंत्र वो हर पल सुनना चाहिए। तो कैसेट लगा दो, गुरु जी तो प्रकट साक्षात रूप से नहीं, उनका कैसेट तो है। हम देखा आज दो दिन हो चुका, हम तो वहीं पर आया देखा जब अवधूत महाराज लगा दिया गुरु जी का, हरे कृष्ण पता नहीं हर रोज करते कि ना हरकते। तो ऐसा ही होना चाहिए मंदिर में, अपना घर में, घर घर में ऐसा होना चाहिए। क्यों? नाम सुनाई देने से दिल साफ हो जाता। नाम संकीर्तन है सर्वानर्थ नाश, सारे अनर्थ अपने आप जो हमारा दिल पर है, कुविचार है, लालच है, जो प्रतिष्ठा का नशा है, वो सब कुछ साफ हो जाएगा। होने से क्या होता? होने से अपना स्वरूप प्रकट हो जाता, जो स्वरूप पता नहीं था हो जाएगा प्रकट। तो ये नाम
जब हो सुनते सुनते स्वरूप मैंने अपना दिल साफ हो गया भगवान का रूप राधा गोविंद कहाँ पे दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष का नीचे हीरे सोने द्वारा बना हुआ सिंहासन का ऊपर विराजमान ये प्रकट हो जाएगा दिव्य जिस प्रकार ध्रुव का हुआ था भगवान को जब नारद मुनि दीक्षा दिया जब ओम नमो भागवत भगवती वासुदेवाय इस मंत्र जप करते भगवान प्रकट हुए दिल पर आंखों नहीं खुल रहा भगवान खड़ा हो गया सामने आमने सामने खड़ा हो गया तब भी आंखों नहीं खुल अंदर में दर्शन होने लगे तो भगवान बोलने लगे ध्रुव खुलो आंखों खुलो खुलो खुला जो अंदर में दर्शन हो रहा था बाहर में आ गया और जितना सब विचार था भौतिक लाभ का विचार था पिताजी का सिंहासन चाहिए वो सब चला गया दिमाग से ऐसा ही जब हमारा सबका ये चीज दर्शन होगी दुनिया का सारे लाभ फीका पड़ जाएगा भगवान का दर्शन का लाभ उठाना विचार आ जाएगा रूप प्रकाश होगा नाम रूप उसके बाद भगवान का क्या गुण और गुरु जी बोलते थे भगवान का गुण भक्त वत्सल भक्त के साथ इतना प्यार इतना प्यार हम तो ऐसा बोलने से तो आपका लगेगा तो आप तो ऐसा ही बोल रहा हूँ गुरु जी का उम्र 97 मतलब 97 ईयर ओल्ड 1898 में गुरुदेव जन्म लीला प्रकट किया तो 1995 में कितना उम्र होगा बोलिए कितना उम्र होगा 97 ईयर तो 97 यार सही रूप से चल नहीं सकता अपना कक्ष का अंदर में बिस्तर पर लटा हुआ कभी कभार किताब पढ़ते कभी कभार नाम करते कभी कभार सो जाते इसी परिस्थिति में देखो गदाधर पंडित उनके पास आकर क्या बोला तुम्हारा पुजारी मैं शिकायत किया तुम्हारा पुजारी हमको बाँ हाथ का इस प्रकार मैंने अश्रद्धा लेकर के ठेस मारा हो गया उनको नजर हाँ ठेस मारा पुजारी तो सोच रहा कि तो हम तो श्रृंगार करने द्वार बंद कर दिया खिड़की बंद कर दिया अंदर में है कोई लोग तो देख नहीं सकता ये तो देखिए मूर्ति ना तो मूर्ति नहीं ये तो ऐसा स्वाभाविक रूप से ये है तो स्वाभाविक केवल मैंने केवल लकड़ी का मूर्ति है लकड़ी नीम का लकड़ी का मूर्ति है इस प्रकार बिचारे लगे सेवा करते थे जब ऐसा किया सच साथ गदाधर पंडित हमारा गुरु जी के कक्ष में आकर के शिकायत किया तुम्हारा पुजारी ऐसा किया तो उसी समय गुरु जी हम तो उसी समय उसी मंदिर का मायापुर मंदिर के मैनेजर थे हम जब गया गुरु जी बुलाया गया ठीक है दूर से चलो हम जब गया तो बोला बुलाओ पुजारी को गुस्सा से बोल रहा कभी दिन गुस्सा नहीं करते गुस्सा से बोल रहा पुजारी आने से बस पूरा रूप से जो घटना हुई वही घटना बोलने लगे तो पुजारी जाने से बाद हम पूछा आपका कैसे पता चला वो क्या मंदिर में किया आपका कैसे पता चला कैसे मैंने जो किया हो बोला हो हाँ
और स्वीकार कर, मैंने स्वीकार कर लिया जहाँ हमारा गलती हो गया। उसके बाद तुम जा करके माफ़ी मांगो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई चारा नहीं। उसके हो जाने से बाद हम पूछा गुरु जी को, आपका पता कैसे चला, वो क्या किया मंदिर में? गुरु जी बोल रहा कि बाबा, गदाधर हमारे पास आकर के बोला, हम तो यहीं पे विद्ध जड़ात हो, मतलब बुढ़ापन आ गया, हम तो चलने का ताकत नहीं, कुछ भी नहीं हमारा। गदाधर आकर के हमको शिकायत किया इस प्रकार, हमको तो बताना चाहिए। देखो भक्त वत्सल, भक्तों का हाथ से सेवा लेने के लिए, देखो माधवेंद्र पुरीपाद के लिए गोवर्धनधारी गोपाल कितना दिन प्रतीक्षा किया, धूप में बारिश में कितना कष्ट उठाया, बहुत कष्ट उठाया। और जब पुरीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद जब विचार लिया, सिर्फ दूध पी के आके जिएगा, किसी के पास मांगेगा नहीं, कटोरी एक कटोरी दूध कौन लेके आया, ग्वाल बाल रूप से भगवान लेके आया। इस प्रकार देखोगे तो हमारा बहुत सारी है, हम अभी किताब लिख रहा है, अभी किताब का नाम दिया तो मैंने इस सारी सब कहानी जो रियली मिरेकल, हम ऐसा किताब नाम, किताब का अभी नाम दिया लेकिन वो नाम होगा कि पता नहीं, नाम तो रखा तो मिरेकल इन स्पिरिचुअलिटी, मिरेकल इन स्पिरिचुअलिटी, पता नहीं मंडला क्या नाम कर देगा, पता नहीं। तो जो भी हो तो इस प्रकार कहानी लेकर के देंगे, छोटा छोटा कहानी, जो कहानी रियली मिरेकल, भगवान का भक्त वत्सल भाव। प्रभुपाद जी जयपुर में गया, चैतन्य मठ में जो विग्रह है दिखाई था कि देखा कि श्री श्री गुरु गौर गंधर्व गिरिधारी जी, वो राधा कृष्ण दोनों को देख के बोला यही मूर्ति चाहिए। दुकानदार बोल रहा ये तो एडवांस दे दिया, हो चुका, ये मूर्ति आपको दे नहीं सकता। प्रभुपाद बोले ये मूर्ति नहीं होने से हम भूखा भूखा रखकर मर जाएगा। ये व्रत लेकर के जो जो कक्ष में जो कक्ष वो लिया था, किराए पे लिया था, चला गया भूखा रख। रात को सपनों में, दुकानदार का सपनों में और जो एडवांस दिया था उनका सपनों में आकर के बोलने लगे, है तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम हमको उस मूर्ति सपने में आकर बोलने लगे दोनों को, तुम हमारा भक्त भक्ति सिद्धांत को दे दो जो कल आया था तुम्हारा दुकान पर। तो सुबह सुबह भाग भाग के दोनों प्रभुपाद जी के पास आया, पूरा विग्रह को दे दिया। ये चीज कहां पे मिलेगा? भक्त वत्सल, भक्तों का हाथ से सेवा लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन भक्तों तो होना चाहिए। देखो लोगों का आंखों में धोखा दे सकता हम लोग, भगवान का आंखों में धोखा कभी दिन दे नहीं सकता, दे सकता कभी दिन, भगवान का आंखों में कभी दिन धोखा दे नहीं सकता। इसलिए जो कुछ करने होगा भगवान के लिए दिल से करना होगा, बोलो कुछ करो और कुछ, ये जमाना होगा नहीं, भौतिक दुनिया में हो सकता लेकिन भक्ति दुनिया में हो नहीं सकता। इसलिए सबको क्या करना चाहिए, सबको भगवान का सेवा में दिल को निछावर करना चाहिए।
उसके बाद नाम करते करते क्या होगा, गुण प्रकट हो गया, उसके बाद लीला। और लीला बोलना चैतन्य महाप्रभु बोलना कि वा मंत्र दिला गोसाय कि वा तार बन जोपीते जोपीते अमाय को हमको पागल बना दिया। तो इस प्रकार हम सबका तो हो नहीं, हमारा तो हो नहीं रहा, आपका हो सकता। देखो तो शिवाशरपति पंडित बोले प्रभु किचु नहे भार तुमार प्रसादे सर्व घरे अमार। शिवाश पंडित को बोला तुम्हारा के ऊपर बोझ आ गया ना का, बोला प्रभु हमारे ऊपर कुछ बोझ नहीं, आपका कृपा से सब हल्का हो गया। बात तो सही है। देखो भक्ति विज्ञान भारती महाराज एक बार हम सबको बोला, हमारा गुरु जी का मंदिर है कल्ला मंदिर, कल्ला मंदिर मंदिर है कल्ला में, माधव गोस्वामी महाराज भेजा भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी को, केशव प्रभु को मैंने कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी प्रभु को, और कोई किसी को चार पांच लोगों को भेजा जे काल महाराज जी का कल्ला मंदिर का वात्सरिक उत्सव तुम लोग सब जाओ, महाराज जी को मदद करने के लिए जाओ। तो भरतमोहन महाराज आया, देखा जाए कुछ भी नहीं हुआ, कहीं सब्जी नहीं, कोई ये नहीं, कोई बर्तन भी नहीं, चूल्हा भी नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह आया महाराज जी, पूछा अच्छा जब महाराज जी घुसा, मैंने भक्त भगत भारत महाराज घुसा, सब लोग घुसा, गुरु जी तो अर्चन करते थे, अने अपना घर में जो जो मानस अर्चन है ना, मानस अर्चन करते 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 जब देखा वो सब आ गया, गुरु जी पूछा क्या कुछ काल आज कुछ है ना कुछ, बोले हाँ हमारा गुरु जी सब भेजा, भरत महाराज बोल रहा गुरु जी बोल भेजा हम सबको काल, तो आपका हमें उत्सव है, तो हम तो देख रहा कुछ भी नहीं यहीं पे। बोल हमारा कुछ पता नहीं, वो जो है और एक भक्तों थे उनका नाम बता दिया, वो उनका पता है, उनको जा करके पूछा, बोलते कोई तो बाबा अरेंजमेंट नहीं, कोई तुम्हारा व्यवस्था हो अभी तक नहीं हुआ, काल उत्सव होगा। तो महाराज जी को आकर के भरत महाराज बोला जे कुछ तो और बोल रहा तो कुछ भी नहीं, बोला जो भगवान करेगा वही होगा, भगवान का जो इच्छा वही होगा। तब भरत महाराज दोपहर जब चला गया, शाम को से लोगों आने लगे सीधा लेकर के चावल दाल सब्जी झगड़ा सब कुछ लेके आने लगे। तो बर्तन नहीं, बर्तन कहाँ पे, न प्रकृति रंजन तो बाड़ी में है, मैंने घर में है, वहीं पे भरते महाराज जा कर के टोका मारा, सुबह सुबह जा कर के टोका मारा, बर्तन लेके आया, धुलाया, चूल्हा बनाया, बटा उसके बाद रसोई शुरू हो गया। फिर से 12 बजे दोपहर 12 बजे तक लोगों से सीधा लेकर, सीधा मतलब सब्जी जो सब द्रव्य लेकर आने लगे, पूरा बच्चे ऐसा उत्सव पहले कभी दिन देखा नहीं। जब भगवान का इच्छा होगा हो गया। देखो ये जो मंदिर देख जाओ, ये मंदिर बना होने का पहले एक कहानी है, गुरु जी का इच्छा क्या हुआ ना, वृंदावन में जाकर के रहने के लिए इच्छा हुआ, वहीं पे शरीर छोड़ने के लिए इच्छा, लेकिन अपना कोई मंदिर है, कोई लोग मंदिर दान देगा तो होगा, पैसा तो नहीं। तो अचानक हमारा रामदास प्रभु पैसा लेकर के हाजिर हो गया और छान मारने लगे, वृंदावन में छान मारने लगे, ये गुरु जी के लिए अपना एक घर होना चाहिए, मंदिर एक होना चाहिए,
और गुरुजी का मैंने पूरा षड गोस्वामी किस तरीका से इस वृंदावन में आया और वृंदावन आकर के किस प्रकार वृंदावन को प्रकट किया, इस प्रकार एक बिल्डिंग लेना चाहिए जहाँ पे वो सब बनाएगा, म्यूजियम बनाएगा, सब डायग्राम बना के म्यूजियम बनाएगा। तो ये तो ले लिया, पहले लिया तो केसीगढ़, बोले अब अच्छा जगह है म्यूजियम बनाने के लिए, केसीगढ़ ले लिया, अभी भी है देखो, अभी भी काम चल रहा है। उसके बाद ये मिलने से बाद हम बोला जाए प्रभु गुरु जी का अलग कोई घर लेना नहीं चाहिए। देख लिया वहीं पे गोपीनाथ बाग में एक घर देख लिया, 6,500 रुपया दाम था, भाव कीमती 6,500 रुपया। अरे प्रभु जी हम लोग यहीं पे आया ये सब जमीन जायदाद संभालने के लिए नहीं, ये छोड़ो वो घर नहीं लगाना चाहिए, यहीं पे बनाओ। तो देखो इच्छा हुई, साथ साथ भगवान एक नहीं 3 देने के लिए तैयार हो गया, हम एक तो ठोका मार दिया और 2 लिया, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल है कलयुग में। देखो ये मंदिर के साथ क्या हो गया, मंदिर तो है पूरा पुराना वाला मंदिर, देखो इस तरीका से मंदिर इसी माहौल में, मतलब वृंदावन का अंदर में मिलना बहुत ही मुश्किल है, ना क्या ना? तो देखो कितना सब मैंने बगीचा है, पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन धूल मिट्टी। देखो अभी जो कुछ हो रहा सब गुरु जी का कृपा से ही हो रहा, ऐसा मत सोचो कि जे वो विश्वम्भर कलेक्शन किया, वो कलेक्शन किया, ऐसा हो रहा कुछ भी नहीं। जो इच्छा प्रकट किया वो इच्छा को लेकर के चलना, वही हमारे लिए सेवा होगा, सबके लिए वही सेवा होगा। दाऊ जी का देखो, दाऊ जी से अकेला था, आज जो विग्रह आया राधा गोविंद कौन विग्रह, तपन मिश्र का सेवित विग्रह, रघुनाथ भट्टो द्वारा सेवित विग्रह, सनातन गोस्वामी द्वारा वो विग्रह लेकर के नगर संकीर्तन करने का विग्रह काशी में, चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु विग्रह का दर्शन भी किया, विग्रह को महाप्रभु दर्शन किया, जो तपन मिश्र का घर में जब जाकर के प्रसाद लेते थे जिसमें दर्शन करते थे चैतन्य महाप्रभु। और जो निताई गौर देखो, वीरभद्र प्रभु वसुधा देवी का बेटा वीरभद्र प्रभु, उनका द्वारा सेवित प्रतिष्ठित विग्रह, अचानक गुरुजी के हाथ से। तब देखो हम तो कलकत्ता चैतन्य गौरीबंद में गुरुजी शरीर छोड़ दिया और उनका रूम में बैठ बैठ के माला कर रहा था, अचानक वो विग्रह का जो सेवा थे एक बुढ़ी आकर के 2-4 लोगों को लेकर के बोला आपकी भक्ति प्रमोद पुरी को से मेरा शिष्य। हाँ बोला, तो हमारे पास ऐसा ऐसा विग्रह है, अरे विग्रह लेगा नहीं, हम बता दिया लेगा नहीं। तो जो उसके बाद क्या हुआ, हमारा दिमाग में चढ़ गया बिल्कुल महिमा क्या है पता करना चला। हम यहीं पे आया वृंदावन में, आया वृंदावन लाइब्रेरी में गोपाल घोष नाम पे लाइब्रेरियन थे, उनको पास पूछा ऐसा लोग हमारे पास जा कर के बोला ऐसा विग्रह, बोलो आप ले लो, हम बोलो कहानी बोलो। बोले एक पूरा कहानी तो बताया और लिख के दिया,
ये विग्रह लगता है कि जे गुरु जी का हाथ से सेवा लेने के लिए ये विग्रह भी आ चुका आप हमारा मंदिर लेने से बाद, पहले नहीं थे। तो इस प्रकार भक्तों का भक्तवत्सल एक गुण, भगवान का जब असली गुण भक्तवत्सल, लेकिन भक्त होना चाहिए, दिल से भक्त होना चाहिए, दिखाने के लिए भक्त नहीं, सचमुच भक्त होना चाहिए, तब विग्रह माने भगवान का जो गुण भक्तवत्सल वो तो पता चलेगा। तो जो भी हो आज तो ऐसा हो गया तो क्या हुआ देखो, क्या काल सुबह 5:30 में 5:30 बजे काल ही पे जिस तरह जिस आरति होगा, आरति परिक्रमा और निशिंग प्यार करके जय ध्वनि दे करके बाहर, पहले हम लोग जाएगा तो गोपेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए। हम देखा 20 रुपये का टुकड़ी देता, 20 रुपये का लेकर के और 2, 5, 10 रुपया लेकर के पुनः भी दो, शिव जी माता जल चढ़ाओ, दीपक दिखाओ, उन केवल है सब परमिशन लो, इसके बाद जो क्या बोलना चाहिए, वृंदावन बनीपति सोम सोम मोले सनंदन सनातन नरदाम कपेश्वर ब्रज विलास जुगांघ्री पद में प्रतिंग प्रजच्छ निरु प्रतिंग प्रजच्छ नितोरांग निरूपाधिकम है प्रतिंग प्रजच्छ नितोरांग निरूपा निरूपाधिक प्रेम, ये मांगना चाहिए। हे प्रभु हम कोई उपाधि नहीं चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा हमारा नहीं चाहिए, हमको प्रेम दीजिए, जो प्रेम में भगवान का सेवा सुखी का अनुगत्य में हम कर सकता, ये मानना चाहिए, दिमाग में रख लो। हाँ उसके बाद बंशीवट में जाओ, बंशीवट में जा करके बंशीवट में थोड़ा कीर्तन करके बंशीवट का महिमा 5 मिनट में बता के उसके बाद भाग भाग के चला जाएगा हम लोग कहाँ पे ना विश्राम बॉट, विश्राम बड़ा थोड़ा रुक के कीर्तन करके थोड़ा उन पे जो कथा सुना दिया शास्त्रों में तो नहीं, जो सुना उसे बता देगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद फिर से चलते चलते कालियाधाम में रुकना चाहिए। कालियाधाम में रुक के कालियाधाम कथा करके उसके बाद इमली तल में आना चाहिए, वहीं पे श्रृंगार बॉट है, जो श्रृंगार नित्यानंद को श्रृंगार किया वहीं पे समय है तो जाएगा सब लोग साथ में मिलके, और उसके बाद इमली तल होकर केशी घाट होकर के वापस यहीं पे। तो जितना जितना जल्दी चल सके उतना जल्दी वापस आ सके। तो इस प्रकार करते करते अच्छा बीच में खाना चाहिए कि ब्रेकफास्ट चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए तो आज हम लोग बोल सकता विश्राम बट में बोल सकता थोड़ा सा पूरी हलवा पका के, नहीं चाहिए तो हाथ उठा, किसी खाना चाहिए किसका हाथ उठा, नहीं चाहिए हाथ उठा, नहीं चाहिए खाना नहीं चाहिए। देखो सुबह से यहाँ वापस आते आते लग जाएगा 11-12 तक कमी मन रहे, कोई नहीं, सबका मत ठीक है, तो नहीं चाहिए वीरवती बोलिए, नहीं चाहिए सच, सुदेवी बोले नहीं चाहिए, देखो तो चाहिए कुछ तो वहीं पे नहीं होगा तो हम अमृत मार के बता देगा